What does perfect even mean? Is there even such a thing? Hey guys, welcome back to my channel. So, kaise ho aap log? और मैं बहुत ही अच्छी हूँ. सो आप लोगों के साथ मैंने एक चीज़ सोची थी कि आप लोगों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए, वो है क्लब फैक्ट्री. क्लब फैक्ट्री, क्लब फैक्ट्री, और जहाँ देखो वहाँ क्लब फैक्ट्री हो रहा है आजकल. सो मैंने भी सोचा है कुछ प्रोडक्ट मेरे को भी मंगाने चाहिए आप लोगों के साथ शेयर कर. मैंने सोचा कि मंगाया जाए कुछ क्लब फैक्ट्री से. वहाँ थोड़ा प्रोसेसिंग लगती है, थोड़ा लेट आता है क्योंकि फूड है चाइना से आता है. तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो ये है वो क्लब फैक्ट्री का पॉलीथीन जिसमें मेरा सारा सामान आया था, मतलब जो भी मैंने प्रोडक्ट मंगाए थे क्लब फैक्ट्री से. तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप में आए थे. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पहले ही ओपन कर लिया था क्योंकि मेरे पास कोई भी सामान आता है कहीं से भी तो मेरे पास रहा नहीं जाता. सबसे पहले मैं खोल के देखती हूँ कि क्या आया. मैंने खोला सो ये है क्लब फैक्ट्री का इतना छोटा सा पॉलिथीन है क्योंकि मैंने इसमें दो ही प्रोडक्ट मंगाए थे. सो आप लोगों के साथ शेयर करना था. मैं बस एक बार ट्राई कर रही थी कि मतलब कैसे प्रोडक्ट आते हैं क्योंकि बहुत से मैंने रिव्यू में गलत भी सुना था. सो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट नहीं लिए. सो आप लोगों को मैं एक बार वार्निंग देना चाह रही हूँ कि जो ही प्रोडक्ट आपको लग रहा कि सही होगा उसे ही लें. फालतू के प्रोडक्ट जैसे कि कुछ अलग दिखता है और कुछ अलग आ जाता है वो चीज़ें भी होती हैं, फ्रॉड वगैरह भी हो जाता है. आप लोगों के साथ जो भी मैं बोले हूँ कि ध्यान से देख के लें, आपके लिए सूटेबल हो वो लें, और कुछ मतलब ऐसा वैसा ना ले लें मतलब जिसमें ऐसा मिनी पॉकेट वगैरह होता है जिसमें वो छोटा सा दिखाया बड़ा सा दिखाया जाता है जब निकलता है तो वो छोटा होता है. तो उन चीज़ों से बचें जो आपके लिए सूटेबल हो वही चीज़ें लें. तो चलिए स्टार्ट कर दें. कुछ इस टाइप के पॉलीथीन या बैग कुछ भी समझ लो इस टाइप का है, मतलब फैक्ट्री से आया है ये मेरे लिए. सो ये मैंने ओपन कर लिया था पहले ही, मैंने आपको बता दिया है गाइस. सो आप लोग देख सकते हो कि कुछ इस टाइप से एक पॉलीथीन है इसमें, और ये मैंने ओपन कर ही लिया था. और मेरा साइज है तो मैंने एक ड्रेस मंगाई है क्लब फैक्ट्री से. तो आप लोग देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट है ये, और इसमें कुछ जो मेरे को मतलब दुखी हुआ है कि एक कुछ इस टाइप की पॉलीथीन है जैसा कि आप लोग देखा दूँ. ये पॉलीथीन बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को, तो ये बहुत ही अच्छी है. सो फर्स्ट थिंग जो मैंने मंगाई है जो है मेरी एक ड्रेस मंगाई है मैंने, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा दूँ एकदम से खोल के ओपन करके. तो आप लोग को दिख रहा होगा जैसा कि सो ये कुछ इस टाइप में है और आगे से कुछ इस टाइप की है फ्रंट. सो आप लोगों को दिख गया होगा, पूरा शो हो गया होगा किस टाइप की है ये. सो ये कुछ इस टाइप में है और ये कुछ ओपन शोल्डर है. ये यहाँ से आप लोग दिख रहा होगा कि यहाँ से ये इस टाइप से बनेगी. सो मैं पहन के भी आप लोगों को दिखाऊंगी ये ड्रेस. सो आई होप आपको ये अच्छी लगेगी क्योंकि क्या होता है ब्लैक एंड वाइट में लड़कियाँ और भी सुंदर खूबसूरत लगती हैं. सो ये मेरे को मतलब अच्छी लगी. और इसका कपड़ा है जो बहुत ही सॉफ्ट है, यू कैन सी दिस, मतलब आप महसूस कर सकते हो कि मतलब मैं इतने से मैं मतलब ले सकती हूँ उसको. बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की है. तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा. इसका रिव्यू मैं इसको गुड़ दूंगी या कुछ भी, और मेरे को पहनने के बाद पता लगेगा कि कितना अच्छा कितना देना चाहिए, क्या देना चाहिए. तो ये बहुत ही क्यूट सा मतलब क्यूट सी ड्रेस लगी मेरे को. सो हाँ मैं इसे ट्राई करूँगी, ट्राई करके आप लोगों को बताऊँगी कि कैसा था. सो ये था मेरा फर्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने लिया था वो. और सो क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी गुड है इसकी. सो मैं इसे गुड दूंगी. सो सेकंड जो चीज़ थी वो ये कुछ इस टाइप में आई थी जैसा कि मैंने बताया था, सनग्लासेस. आई लव सनग्लासेस. सो सनग्लासेस एंड ड्रेसेस. सो ड्रेसेस पहला थिंग था. दूसरा थिंग जो है सन ग्लासेस, और आप लोग देख सकते हो कि कुछ येलो कलर की रैप हुई है ये, और कुछ अच्छे ही तरीके से मतलब आप लोग देख सकते हो इसका, ये कुछ इस टाइप में है और ये बबल रैप्ड है अंदर से. पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है इसकी, और ये बबल रैप्ड है अंदर से जो कि बहुत ही अच्छा है, जिससे कि सन ग्लासेस गिरने का या टूटने का खतरा नहीं रहेगा. सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. सो कुछ फिर उसके बाद ये पॉलीथीन में भी आया हुआ है, जैसे कि ज़्यादातर सन ग्लासेस आते हैं. सो यू कैन सी दिस, आई लव सन ग्लासेस. सो जो मैंने खरीदा, आई मीन परचेज किया क्लब फैक्ट्री से, सो कुछ इस टाइप की क्वालिटी इज़ वेरी गुड.
और ये कहीं से भी टूटा वूटा नहीं है, ये बहुत ही प्यारा सा है, क्यूट सा है। सो आप देख सकते हो किस टाइप का है ये। आप लोग बता देना मुझे कि ये कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो इसे मैं अगली वीडियो में या कहीं भी अपने टूर वगैरह पे पहनूंगी इसे जरूर पक्का। सो आप लोगों को बता दोगे कि मेरे को सनग्लासेस बहुत ही ये तो बहुत अच्छा लगा सच में, मेरा फेवरेट भी हो गया अभी से। सो ये इसका जो साइनी सा है ना, साइनी सा है जो मुझे बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही प्यारा सा लगा। सो बहुत अच्छा है ये, मेरे को बहुत पसंद आया बहुत ज़्यादा। आई लव दिस सनग्लासेस। तो इसकी जो साइड इफेक्ट की इसकी बात करी जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। इसका जो डंडियाँ होती हैं वो भी बहुत ही क्यूट सी हैं, और यहाँ जो लगाया गया है इसमें कुछ कैट स्टाइल में, तो बहुत ही अच्छी अमेजिंग क्वालिटी है इसकी। क्वालिटी इज़ वेरी गुड एंड ऑसम सनग्लासेस, बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं। सो आप लोग देख सकते हो बेस्ट लुक। सो आई होप लाइक दिस वीडियो। सो एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं कि ये हम पे कैसा लगेगा। सो चलिए ट्राई करते हैं। ये था मतलब पहन के कुछ इस टाइप की लग रही है ये ड्रेस, और अब लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ बाय कर लेना। और आई होप लाइक दिस वीडियो। और सेकंड जो थिंग फर्स्ट थिंग थी जो टेंट अराइन वाली थी, जैसा कि आप लोग देखते हो इधर ये इधर से ओपन है ये, और ये बहुत ही क्यूट सा लुक आ रहा है इससे। सो अंकल ये और सोलर को बहुत ही पसंद आ रहे हैं। सो मैंने दो तीन ड्रेसेस कुछ इस टाइप की ले रखी हैं। सो और जो सेकंड जो थिंग थी वो थी ये लाजवाब सा सनग्लासेस, और मैं कुछ इस टाइप की लगा रही तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, अपने फ्रेंडों के साथ जितने भी हैं आप लोगों के उन सबके साथ शेयर कर देना। तो कैसा लगा मेरा टीनी मिनी सा प्यारा सा छोटा सा बहुत छोटा सा हॉल। सो आई होप लाइक दिस वीडियो। कमेंट कर देना भाई लोगों, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरी वगैरह फोटोज वगैरह अपलोड करती रहती हूँ। तो आप लोगों को अगर पसंद आए मेरा मतलब मैं तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी से। तो चलिए मिलते हैं आज वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।